आप सब वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। आप अपना और अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। तो पहली बात तो आई एम वेरी वेरी सॉरी, 2 महीने ऑलमोस्ट मैं लॉस्ट थी। सो आई विल गिव यू अ क्विक रिकैप कि मैं लॉस्ट कहाँ थी। सो गाइस, मेरे समर ब्रेक का जो लास्ट मंथ था उसमें मैंने थोड़ा फोकस रखा अपनी जॉब के टूवर्ड्स, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि एक ही महीना है, जितनी मेहनत कर सकते हो कर लो। और उसमें जो मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिलता था वो मैंने अपना सेल्फ केयर में इन्वेस्ट किया, मतलब अपना खाने का ध्यान रखना, अपनी नींद का ध्यान रखना, खुद को रेस्ट देना, अपनी चीजों का ख्याल रखना। क्योंकि अगर मेरी सेहत ठीक रहेगी तो ही मैं आगे काम कर पाऊंगी। इसलिए उस जॉब के अलावा जो मेरी प्रायोरिटी थी वो प्रायोरिटी मैं खुद थी, तो इसलिए मैं वीडियोस पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाई। बट मुझे ऐसा लगा कि जब सितंबर शुरू हो जाएगा देन आई कैन फोकस ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो क्योंकि क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, जॉब का इतना प्रेशर नहीं रहेगा, तो मैं कर सकती हूँ। बट वो भी मैं नहीं कर पाई क्योंकि इनिशियल के जो डेज थे उसमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस था क्लासेस का, तो आई वॉज मोर फोकस्ड कि मेरे को कौन सी क्लासेस पिक करनी है, क्या टाइमिंग्स मुझे सूट कर रहे हैं, प्रोफेसर कौन सा सूट कर रहा है, तो इन सब चीजों में मेरा ध्यान था। एंड देन अगेन दिस नेचुरल डिजास्टर हैपन। आई होप आप लोगों को पता होगा, और अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता देती हूँ कि मैं कैनेडा के जिस रीजन में मैं रहती हूँ वहां पे पिछले हफ्ते एक हरिकेन ने हिट किया था, जिसे बोलते हैं हरिकेन फियोना, एंड दैट वॉज अ ह्यूज डिजास्टर टू दिस प्लेस। बहुत डैमेज हुआ है उसकी वजह से, लोगों के घर की रूफ भी उड़ी है, लोगों के घर पे पूरे बड़े बड़े पेड़ गिर गए हैं, रोड्स ब्लॉक हो गई थी, एंड वी सफर्ड पावर आउटेज। और मैं आपको बताऊं तो कुछ ऐसी भी जगह है जहां पे अभी भी पावर रिस्टोर नहीं हुई है। मैंने भी इस हरिकेन के बाद लगभग 5-6 दिन बाद मेरे घर में लाइट आई थी, तो वो बहुत प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन थी। सो उस दिन फ्राइडे नाइट को यहाँ पे हरिकेन हिट किया था, और सैटरडे को भी पीक आवर्स से हरिकेन के दैट वाज क्रॉसिंग दिस प्लेस। एंड उस दिन मेरी शिफ्ट थी, और जहाँ मेरी जॉब है वो मेरे घर से लगभग 20-25 मिनट दूर है डिस्टेंस, तो मैंने मना नहीं किया, कहने को मैं कॉल ऑफ कर सकती थी। बट मुझे ये था कि पता नहीं, मेरे अंदर के जो उसूल थे वो मुझे कह रहे थे कि अगर मैं नहीं जाऊंगी तो मेरी मैनेजर किसी और को बुलाएगी, कोई ना कोई आएगा, परेशान होगा, और जबकि वीकेंड्स पे मेरी शिफ्ट होती है। तो आई वाज लाइक कि नहीं, मतलब मेरे अंदर की चीज वो मुझे अलाउ नहीं कर रही थी कि नहीं नहीं जाना। आई नो दैट वाज अ डेंजरस स्टेप, बट स्टिल मेरे को था कि नहीं, मैं कॉल ऑफ नहीं करूंगी, आई विल बी देयर इन दिस हार्ड टाइम्स। दो वहां पे पावर नहीं थी, कुछ नहीं था, बैठना ही था, पर फिर भी वो 20-25 मिनट का जो डिस्टेंस था कार के थ्रू वो ऑलमोस्ट हमें कवर करने में लगभग 1.5 से 2 घंटे लग गए, क्योंकि हम जिस भी रास्ते पे जा रहे थे कहीं पे पेड़ गिरे हुए थे, कहीं पे बिल्कुल जो इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स होते हैं वो गिरे हुए थे, तो रोड क्लोजर था जिसकी वजह से हमारा पहुंचना बहुत मुश्किल हो गया था। मेरे साथ में जो लड़का था वो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, वो भी एक हॉस्पिटल में जॉब करता था वहीं पे मेरे ऑफिस के पास ही, तो उसको भी जाना ही था। एंड देन वी ट्राइड आर बेस्ट, और इतना टाइम के बाद हम लोग वहां पहुंच ही गए थे। तो मैंने वो मतलब बिल्कुल अपनी आंखों से देखा है, जो एकदम नेचुरली फ्रेश सुबह सुबह क्या हो रहा था, बीच का क्या हाल था, तो आप लोग देख ही रहे होंगे स्क्रीन पे इस टाइम पे कि सुबह वो पीक आवर्स है, जब जब कुछ भी क्लियर नहीं हुआ था, ये तब की सिनेरियो था यहाँ पे उस टाइम पे, एंड दैट वाज वेरी डेंजरस। बट आई एम रियली थैंकफुल कोई जान मान का नुकसान नहीं हुआ है यहाँ पे। हाँ, मतलब प्रॉपर्टी डैमेज बहुत हुआ है, पर जान मान का नुकसान इस जगह पर नहीं हुआ है। और मैं इस वीडियो के थ्रू एक मतलब थैंक यू मैसेज देना चाहती हूँ उस ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, जिन्होंने इस टफ टाइम पे मतलब लंगर अरेंज किया सबके लिए, और उन्होंने सबको घर घर जाके भी खाना दिया, क्योंकि दैट वॉज अ ग्रेट हेल्प। जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो आप खाना नहीं बना सकते, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे इंडक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी से आप चूल्हे वगैरह ऑपरेट करते हो, अपने गैस स्टोव वगैरह, तो बट उस टाइम पे ऐसा एक थॉट अपने माइंड में लेके आना और आप लोगों की हेल्प कर रहे हो, दैट वॉज अ ह्यूज हेल्प मैन। वो मतलब लोगों के लिए बहुत अच्छा था, हाँ, पूरी कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा था। और मुझे पता है कि उस चीज ने कितने घरों में खाना पहुंचाया होगा और कितने लोगों को मतलब भूखे रहने से बचाया होगा। थैंक यू सो मच फॉर दैट, आई रियली अप्रिशिएट दिस, एंड इन ऑन द बिहाफ ऑफ द होल कम्युनिटी आई रियली वॉन्ट टू थैंक यू ऑल। सो गाइज, दैट वॉज अ थैंक यू मैसेज, एंड दैट वॉज अ रीकैप फॉर माई पास्ट 2 मंथ्स। एंड नाउ वी विल गेट स्ट्रेट टू द वीडियो टॉपिक, जो है रिज्यूमे से रिलेटेड, कि आप लोगों को अपना रिज्यूमे कैसा बनाना चाहिए जब आप यहाँ पे जॉब के लिए हंट करते हो। सो पिछले कुछ दिनों में मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से कनेक्ट किया है, जिससे मैंने जॉब के बारे में जिन बच्चों ने मुझसे डिस्कस किया है, तो जो मेरा पहला क्वेश्चन हमेशा मैंने उनसे जानना चाहा, वो मैंने उनका रिज्यूमे जानना चाहा, कि मैंने अक्सर लोगों से पूछा ही हुआ है कि आपका रिज्यूमे आप मुझे दिखाओगे एक बार कैसा है। तो कुछ कॉमन मिस्टेक्स मैंने नोटिस की हैं उनके अंदर, जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहती हूँ, आप लोगों को बताना चाहती हूँ, कि जो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है करेक्ट करनी है अपने रिज्यूमे में।
So guys, I just wanted to clear one thing that when we go to apply for a job as a student, वो हमारी फील्ड जॉब नहीं होती है. जैसे सपोज मैं मैकडोनल्ड्स में अप्लाई कर रही हूँ, टिम हॉर्टन्स में अप्लाई कर रही हूँ, तो वो मेरी फील्ड जॉब नहीं है. उसमें अगर मैं अपनी कुछ टेक्निकल मतलब इन्फॉर्मेशन दूंगी जिसपे मैंने काम किया है पहले, वो उसका कोई यूज नहीं है. मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मान लो मैं मैकडोनल्ड्स में अप्लाई कर रही हूँ, अगर अपने रिज्यूमे में मैं ये बता रही हूँ कि मैंने अपनी होम कंट्री में एज अ हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेटर इस सॉफ्टवेयर पे काम किया है, तो आप खुद ही बताओ क्या वो वर्थ है बताना. मैकडोनल्ड्स को उससे क्या लेना देना, उसे तो कस्टमर एक्सपीरियंस चाहिए, उसे तो वो किचन का स्ट्रेस मैनेज करने वाला वो एक एम्प्लॉय चाहिए. उसको उस टेक्निकल नॉलेज से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा. तो हमें इस डिफरेंस को जानना बहुत जरूरी है कि जो हम रिज्यूमे आगे प्रेजेंट कर रहे हैं और जिस पोजिशन के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, क्या वो नीड कम्युनिकेट कर रहा है, और जो स्किल्स हम होल्ड करते हैं क्या वो चीजें मैच कर पाएगा वहां का मैनेजर या नहीं कर पाएगा. तो जैसे कि अब हम लोग सपोज अब मैं किसी किचन का दे रही हूँ अपना पूरा कि मैंने टिम हॉर्टन्स में काम किया है, मैंने वहां पे किचन में ऐसे ऐसे काम किया है, और अगर मैं अप्लाई कर रही हूँ किसी स्टोर में सपोज कैशियर के लिए, तो क्या वो चीजें मैच कर पाएंगी उन दोनों चीजों की या नहीं कर पाएंगी. तो वो हमें रिलेट करना बहुत जरूरी है जो हम रिज्यूमे में दे रहे हैं. क्या वही आगे वाला बंदा मतलब उसको वही कैंडिडेट चाहिए जो स्किल्स के साथ मतलब उसकी जो नीड्स है वो मीट करता है या नहीं करता है. तो इस चीज पर फोकस करना बहुत जरूरी, क्योंकि मैंने देखा है लोग अप्लाई कर रहे हैं टिम हॉर्टन्स के लिए पर उनका रिज्यूमे में जो एक्सपीरियंस वो दिखा रहे हैं वो आईटी डेवलपर का दिखा रहे हैं, आप समझ रहे हो. तो वो चीजें जो है वो मैच नहीं करती. तो जो भी आगे आने वाला मैनेजर आपका जो आपका रिज्यूमे देखेगा वो देखेगा नहीं मुझे तो एक कैशियर का बंदा चाहिए, आईटी डेवलपर काम किया हुआ, नहीं नहीं मुझे तो एक बड़ा बेसिक स्किल सेट का बंदा चाहिए, यहाँ पे ये फील्ड जॉब नहीं है. तो उसमें वो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन क्या बतानी सही रहेगी या नहीं रहेगी, आप ये खुद ही सोचो और मुझे कमेंट्स में बताओ. ये तो एक रिज्यूमे का डिफरेंशिएशन हो गया कि हम जिस चीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं हमारा रिज्यूमे उसी के अकॉर्डिंग बना हुआ है नहीं बना हुआ, मतलब F&B के लिए अलग बना हुआ है नहीं बना हुआ है. अगर हम कॉल सेंटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं क्या उसके लिए रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, ऑफकोर्स अलग ही होंगी. क्या उसके अकॉर्डिंग बना हुआ है नहीं होगा. तो थोड़े बहुत चेंजेस आपको करने ही पड़ेंगे रिज्यूमे में, और यही इंपॉर्टेंट है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. दूसरी चीज मैं आपको बताती हूँ, आप अपना नाम हाईलाइट करते हो अपने रिज्यूमे में, उसके बाद एड्रेस लिखते हो आप. फॉर एन एग्जाम्पल, जहां मैं रहती हूँ वहां के आसपास की जो लोकेशंस हैं, ग्लेसबे हो गया, न्यू वाटरफोर्ड हो गया, मैं सिडनी में अगर रहती हूँ, मैं अप्लाई कर रही हूँ ग्लेसबे के लिए, तो अगर मैं सिडनी का एड्रेस उसके अंदर मेंशन करूँ, क्योंकि अगर मैं भी ऑनर हूँ कहीं की, मैनेजर हूँ, मैं देखूंगी कि ये बच्चा स्टॉर्म में या फिर ग्रेट मतलब बारिश में आ पाएगा मेरे पास या नहीं आ पाएगा. तो फिर मैं जो एड्रेस है उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि भाई आपने एड्रेस दिया हुआ है न्यू वाटरफोर्ड का, मैं देख रही हूँ ग्लेसबे में, तो मेरी प्रायोरिटी तो उसी पे रहेगी जो मेरे मतलब मेरे वर्क स्टेशन के आसपास होगा, वो कैंडिडेट जो पास रहता होगा मैं उसी को प्रायोरिटी दूंगी. तो ये आपको थोड़ा देखना पड़ेगा. देन आपका फोन नंबर और ईमेल एड्रेस, और आप देख सकते हो कि आपको कैसे कम्युनिकेट करना अच्छा लगता है, वो आप हाईलाइट कर सकते हो उसके अंदर. देन जैसा कि मैंने बताया, अपनी स्किल्स उसके अकॉर्डिंग चेंजेस करनी बहुत जरूरी है स्किल्स के अंदर जो आप अप्लाई कर रहे हो. अगर आप कैशियर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप सोचो कि कैशियर को क्या क्या चीजें देखनी पड़ती हैं. एक अगर आप किचन में अप्लाई कर रहे हो तो आप देखो किचन के लिए क्या क्या जरूरत चाहिए होती है. अगर आप कॉल सेंटर में अप्लाई कर रहे हो तो आप कॉल सेंटर बंदे को किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है. तो रिज्यूमे में जो स्लाइटली चेंजेस है उसको आप ध्यान में रख के ही रिज्यूमे दें. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका रिज्यूमे कुछ और ही बता रहा है और आप कहीं और ही अप्लाई कर रहे हो. एंड देन हो गया एक्सपीरियंस का. तो एक चीज तो है, अगर मैं यहाँ पे नई नई आ रही हूँ, मैंने यहाँ पे कभी काम नहीं किया, तो मैं अपने एक्सपीरियंस में क्या दिखाऊंगी. तो उसमें मैं आपको एक चीज सजेस्ट करती हूँ. फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने कॉलेज में अपने बहुत सारे इवेंट्स देखे हैं, या मैं स्कूल में हूँ, मैंने स्कूल में वॉलंटियर किसी जैसे हाउसेज होते हैं हमारे स्कूल में, मैं DAV की स्टूडेंट रही हूँ तो वहाँ पे डिफरेंट हाउसेज हैं, उसमें मैं क्या किसी मतलब इवेंट में मैंने काम किया नहीं किया. हो सकता है मैंने कहीं ड्यूटी दी हो, स्टेज पे दी हो, या इधर उधर किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ दी हो, तो वो चीज़ें मैं लिख सकती हूँ कि हाँ मैंने यहाँ काम किया और उसमें मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स मैंने इनहेंस किया, या मैंने उसको रिप्रेजेंट किया, मैंने अपनी टीम वर्क को रिप्रेजेंट किया. तो ये सब चीज़ें मैं हाईलाइट करके लिख सकती हूँ. अगर मान लो मैं यहाँ पे नई नई आई हूँ और मैंने यहाँ पे उससे पहले कभी मैकडोनल्ड्स, रिलायंस या फिर इधर उधर काम नहीं करा है इंडिया में भी और यहाँ पे भी, तो वो उन चीज़ों की जगहों पर मैं अपने कॉलेज और स्कूल का कोई वॉलंटियर एक्सपीरियंस दिखा सकती हूँ. ये उसमें कोई हर्ज नहीं है, वो आप बहुत कॉन्फिडेंट होकर दिखा सकते हो, क्योंकि वो आपकी वही बेसिक स्किल्स को रिप्रेजेंट करता है जो आपको यहाँ पे काम के लिए चाहिए होंगी, क्योंकि ये आपकी फील्ड जॉब नहीं है. अपने इनकम फ्लो को स्टार्ट करने के लिए आप ये एक्सपीरियंस आप आगे अपना दिखा सकते हो.
मैंने डिस्क्रिप्शन में दो अलग अलग तरह के रिज्यूमे डाले हैं जिसमें आपकी दो अलग अलग तरह की फील्ड के रिगार्डिंग है, उससे आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा कि रिज्यूमे होना कैसे चाहिए या कौन सी इंडस्ट्री में अप्लाई करने के लिए कौन सी स्किल सेट जरूरी है। आप उसको अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हो और आप उसे एक जजमेंट ले सकते हो कि रिज्यूमे एक्चुअली दिखता कैसे है। ज्यादा बड़ा रिज्यूमे मुझे सही नहीं लगता, ज्यादा से ज्यादा एक या मैक्सिमम दो पेज का हो तो सही है। मेरा रिज्यूमे एक ही पेज का है, मैंने सब कुछ एक ही पेज पे कंसाइज करके लिखा हुआ है, तो मुझे वही हेल्पफुल लगा और मेरे अकॉर्डिंग वही सही था। मतलब इतना बड़ा चढ़ा के मैं उसमें क्या ही बताऊंगी बंदे को, छोटी मोटी आगे से देखना होता है, हाँ ये स्किल सेट है, अच्छा अच्छा ये है, तो मतलब जेन्युइन चीज निकल के आए, आप समझ रहे हो। ऐसा नहीं हो कि देखने वाले को देखते ही पता चल जाए कि नहीं ये तो या तो कैंडिडेट सही नहीं है पोजिशन के लिए या रिज्यूमे झूठा है, क्योंकि जजमेंट सबके पास होती है चीज जज करने की। जो आगे वाला बंदा बैठा है ना उसे कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि उसे कुछ नहीं पता है। तो थोड़े जेन्युइन चीजें आप रिप्रेजेंट करोगे, क्योंकि आई एम श्योर अगर आप कनाडा आ रहे हो तो आपने अपनी लाइफ में कुछ वॉलंटियर चीजें की होंगी, कहीं ना कहीं आपने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया होगा जो आप इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो गाइस ये आज की छोटी सी वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड इफ यू गाइज हैव सम इशू, तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।